अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ने CBT 1 का जो रिवाइज रिजल्ट है उसको रिलीज कर दिया है। रेलवे ने कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन उससे पहले ही आपका रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे रिलीज कर दिया है। चलिए गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आरआरबी रांची और आरआरबी चेन्नई ने अपना रिजल्ट रिलीज कर दिया है। आरआरबी चेन्नई की बात करेंगे सबसे पहले गाइस, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो रिजल्ट रहेगा, आपका एक लिस्ट के अगर नेम है एक लिस्ट के अंदर, तो आप अगर आपने क्वालिफाई की है कट ऑफ दूसरे लेवल की भी, तो आप लोग उसके लिए भी सिलेक्टेड है। यहाँ पे जो है आपका रोल नंबर जैसे पिछली बार किया था हर लिस्ट के अंदर आ रहा था, वैसे इस बार नहीं किया जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप लोग कितनी लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं? तो आप लोग लॉग इन करेंगे यहाँ पे आरआरबी की वेबसाइट पे जाके, अपने स्कोर कार्ड का लिंक यहाँ पे दिया होगा उन्होंने, जब वो एक्टिव हो जाएगा आप वहाँ जाकर के लॉग इन करेंगे और चेक करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना बर्थ डेट डाल के, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल के लिए यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। बाकी आप लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, अगर आपका एक लिस्ट में नेम आ रहा है और आपने दूसरी जो लिस्ट है उसकी कट ऑफ को भी क्लियर किया है, तो आपका दूसरी लिस्ट के लिए भी आप क्वालिफाई हैं, उस पोस्ट के लिए भी आप क्वालिफाई हैं, आप चेक कर पाएंगे स्कोर कार्ड के लिंक के द्वारा। और वो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट यहाँ पे जनवरी में आया था, वो जनवरी में ही क्वालिफाई हो गए थे CBT 2 के लिए, तो गाइस वो लोग ऑलरेडी ही यहाँ पे क्वालिफाई हैं, उनको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ की। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 3 की कट ऑफ की। गाइस आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इस बार काफी ज्यादा कम कर दी गई है। यहाँ पे लेवल 3 की कट ऑफ अगर मैं पिछली बार की बात करूँ यहाँ पे चेन्नई जोन से ही, तो गाइज वो यहाँ पे काफी ज्यादा गई थी, और इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे 67 कट ऑफ आपकी गई है लेवल 3 की। अगर पिछली बार की बात करूँ UR की, तो 78.99 ऑलमोस्ट 79 कट ऑफ थी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 67 कट ऑफ गई है लेवल 3 की यहाँ पे UR से। आगे देख लेते हैं लेवल 6 की बात करेंगे, तो लेवल 6 की कट ऑफ जो है वो गाइज सेम ही रहेगी, क्योंकि लेवल 6 के अंदर वही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे जो कि लेवल 6 के लिए क्वालिफाई किए थे। यहाँ पे चक्कर ही नहीं था कि लेवल 3 और लेवल 2 के अंदर जो सिलेक्ट होंगे, इसलिए लेवल 6 की जो कट ऑफ है वो सेम ही रहने वाली है। अब लेवल 2 की बात करेंगे, तो काफी कम हो गई है लेवल 2 की कट ऑफ, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 80 के करीब और 70 के करीब गई थी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 57 कट ऑफ गई है लेवल 2 की चेन्नई से। तो गाइस कट ऑफ तो काफी ज्यादा कम हुई है, और काफी सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है अब CBT 2 के लिए, तो उन सारे ही कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग अब यहाँ पे CBT 2 के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, और अब आपको यहाँ पे प्रिपरेशन अपनी और अच्छे तरीके से करनी होगी गाइस, क्योंकि ये एक तरीके से आपको चांस मिल रहा है सेकेंड चांस, तो इस चांस को अब जाने नहीं देना है, क्योंकि अब पता नहीं, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा CBT 2 का, तो वहां पे कट ऑफ किस तरीके से बनती है, हो सकता है अब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वहाँ वो लेवल वाइज बने, तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है, इसलिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। आप सभी को मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं यहाँ पे गाइस, अनअकैडमी का यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है प्लस का और आइकॉनिक का, वो बढ़ने वाले सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले हैं 1 अप्रैल से, तो आप लोग इसको अभी ही परचेज कर लीजिए। यहाँ पे 20% तक प्राइस बढ़ सकते हैं, और आप अगर प्राइस राइज का जो इफेक्ट है उससे उससे बचना चाहते हैं, तो आप लोग अभी ही PMYT कोड लगा करके अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। साथ ही गाइस PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है उन सभी के लिए वैलिड है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।